इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस जैपनीज लैंग्वेज के यानी कि JLPT लेवल N2 या N3 के कुछ ऐसे यूजफुल एक्सप्रेशंस जो कि ना सिर्फ JLPT में काम आ सकते हैं बल्कि बिजनेस जैपनीज या बिजनेस जैपनीज कॉन्वर्जेशन में भी यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू निहोंगो मैक्स। और पहला एक्सप्रेशन है मिज़ नो आवा। मिज़ का मतलब होता है पानी और आवा का मतलब होता है बबल। तो पानी का बबल इसका मीनिंग बना, लेकिन क्योंकि ये एक तरह का idiom, एक तरह का मुहावरा है, तो इसका असली मतलब है वेस्ट हो जाना या फिर ऑल इन वेन। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, सांका गेत्सुनो दोरेकुगा मिज़ नो आवा नी नात्तेशिमाता, यानी कि मेरे 3 महीने की मेहनत वेस्ट हो गई, ऑल इन वेन। तो इसका जो यूजेज है वो वेस्ट के तौर पर यूज होता है। और जैसे कि हम अगर इमेजिन करें कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके लिए हमने मेहनत करी 2-3 महीने, लेकिन वो स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट ही नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। अगला एक्सप्रेशन है नेको नो हिताई। तो नेको का मतलब होता है बिल्ली और हिताई का मतलब होता है माथा। तो बिल्ली का माथा, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग होता है बहुत ही स्मॉल या छोटा सा एरिया। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, नेको नो हिताई होदो चीसाना निवा, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा गार्डन, बहुत ही स्मॉल एरिया का गार्डन। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जापान के घरों में बहुत छोटे छोटे गार्डन होते हैं, तो कोई कह सकता है अपने गार्डन के बारे में नेको नो हिताई होदो चीसाना निवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हारा गा तात्सु। देखिए, हारा का मतलब होता है पेट और तात्सु का मतलब होता है खड़ा हो जाना, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये idioms हैं, मुहावरे हैं, तो इनका डिफरेंट मीनिंग होता है। इसका मीनिंग है गुस्सा आना, एंग्री होना। तो इसका मीनिंग अलग से ही आपको याद रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कारेनोहा नाशी देवा हारा गा ताता। तो इसका मीनिंग है कि उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया, उसकी बातों पर मुझे गुस्सा आ गया। तो इसका मीनिंग है गुस्सा आना। नेक्स्ट वर्ड है नेमावाशी। तो नेमावाशी को अलग से सीखना पड़ेगा। जैसे कि कोई बड़े काम से पहले हम कोई ग्राउंड वर्क करते हैं, उसके लिए कोई काम करते हैं, उसके लिए कोई होमवर्क करते हैं, बिहाइंड द सीन्स कोई अगर हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, जैसे लोगों से मिलना, मीटिंग फिक्स करके, जो बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में पहले से ही चीज़ों को कन्फर्म कर लेना ताकि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत ना आए, उसको नेमावाशी बोलते हैं। और लास्ट एक्सप्रेशन है काओगा हीरोई। तो काओ का मतलब होता है फेस और हीरोई का मतलब होता है चौड़ा। तो यहाँ पर फेस चौड़ा है ये मीनिंग ना होकर के फेमस होने का मीनिंग है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, ओतोसान वा काओगा हीरोई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओतोसान का फेस बहुत चौड़ा है, इसका मतलब ये है कि ओतोसान यानी उसके फादर जो है वो बहुत फेमस हैं। तो ये इसका रियल मीनिंग है। आई होप आपको ये एक्सप्रेशंस याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑनकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम और एक्सप्रेशंस को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।